सिंगरौली जिले में रेत माफिया की दबंगई इस कदर बढ़ गई है कि अवैध खनन पर रोक लगाने गए एसआई को ही माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। वहीं इस घटना पर पुलिस प्रशासन ने अब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए हैं। सिंगरौली जिले के रेही गांव में रेत माफिया के अवैध खनन का पता चलने पर मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे एसआई प्रदीप सिंह ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो रेत माफिया ने एसआई को ही ट्रैक्टर से रौंद डाला और जान से मारने का प्रयास किया और कई किलोमीटर तक एसआई को ट्रैक्टर से ही घसीटते रहे। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसपी यूसुफ कुरैशी ने माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के निर्देश दे दिए। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही एक आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं अन्य आरोपियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि कानून के ऊपर कोई नहीं। ये इसके एक रेत माफिया या भू माफिया के द्वारा जो है यहाँ पे शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया था। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन और फॉरेस्ट के द्वारा जो है इसके अवैध जो है निर्माण को जो है से मुक्त करा के शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया है और ये लगभग इसकी कीमत करोड़ों में मापी जा रही है। कल एक घटना हुई है जिसके दौरान जो है जैसा कि पूरे ज़िले में जो है अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध जो है एक मुहिम चल रही है और जो भी इस प्रकार के इलीगल रेत के जो परिवहन में लिप्त है उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कल जियावन थाने में भी एम्बुस लगा के जो है पुलिसकर्मी वहाँ बैठे हुए थे। जब सुबह के वक्त में दो ट्रैक्टर रेत भर के ले जा रहे थे तो एक ट्रैक्टर वाले ने जैसे उसको पकड़ने की कोशिश की पुलिसकर्मी सहित उसने ट्रैक्टर को दौड़ा दिया और उसमें उसकी जान जाते जाते बची और इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और उसमें जो संबंधित के विरुद्ध जो है जो आरोपी है उसके विरुद्ध जो है हत्या के प्रयास का मामला कायम किया गया है। इसके अलावा शासकीय कार्य में बाधा का मामला भी प्रयास में लिया गया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।